हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम से मोस्टली पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9। हमें कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, दिस स्टेटमेंट की, यानी 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 की। तो लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। देखिए, हमें दिया है कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। और हमें सिंपली पता है, हमने ये सीखा हुआ है पी बी पी एच एच बी, यानी यहाँ साइन कॉस टेन, यहां कॉसेक सेक और यहां हो जाएगा कॉट। ये वैल्यूज होती हैं। तो कॉस थीटा हमारा 2/3 है, तो यानी कॉस हमारा क्या है, बी बाय एच। तो ये हमारी वैल्यू किसकी होगी, बी बाय एच की वैल्यू होगी, ठीक है। बी बाय एच तो हो गया। अब हमें क्या क्या नीड है, पी की वैल्यू नीड है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें आता ही है ये वैसे भी, फिर भी मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है, यहाँ हमारा थीटा एंगल है, हमें हाइपोटेनोस गिवन है यानी ये 3 है, और हमें बेस भी गिवन है ये 2 है, और हमें निकालना है ये हमारी पी होती है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पी विल बी अंडर रूट एच का स्क्वायर, यानी ये एच है यानी 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा रूट 5। तो पी की वैल्यू विल बी रूट 5, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं, इजीली होता है, ठीक है। अब नाउ हम क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते हैं। क्या स्टेटमेंट थी हमारी, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9। सिंपल सम वैल्यूज पुट करते हैं 2 sec स्क्वायर। अब हमें पता है sec क्या होता है, sec ही है h अपॉन b। h क्या है हमारा, h हमें पता है 3, और हमारा b क्या है 2, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू cos थीटा, हमें पता ही है इसका स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है, प्लस 2 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमें पता है, p by h, p हमने निकाला रूट 5, और h p by b, b हमारा क्या है यहाँ 2, इसका b स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। वैल्यू तो सिंपली पुट कर देंगे आप स्टूडेंट्स, ओके। अब नाउ सॉलिड सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 स्क्वायर मींस क्या होता है, हमें पता है स्क्वायर मींस होता है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, जिस तरह से आप कर सकते हो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगेन रूट 5 अपॉन 2 भी हमारा 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है माइनस 9, ठीक है। अब देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, अब जो जो बचा वो लिख लेते हैं। ऊपर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9 अपॉन 2, यहाँ क्या बचा है, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 क्या होता है, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, दिस विल बी योर 5, पता है हमें, हमने सीखा हुआ है रियल नंबर वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 हमारे दे देता है हमें 5, ये हो जाएगा 5.2 माइनस 9। अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम सिंपली हमारा क्या हो जाएगा 2। तो देखिए 9 प्लस 5 ये तो इजीली आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ठीक है। देन हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या है, 9 प्लस 5 यानी 14 माइनस 18 अपॉन 2, दिस विल बी योर 4, किसका, माइनस का, क्योंकि हमारा 18 क्या है, बड़ा नंबर है और इसमें साइन क्या है, माइनस का अपॉन 2। ये कैंसिल आउट करता है, यस कैंसिल आउट करके क्या जाएगा 2, 2 2 जा 4 यानी माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए पार्ट, जो कि है माइनस 2 इज योर आंसर, ठीक है। बहुत इजीली क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ एक्स कॉस ए इक्वल्स टू 8 एंड 15 कॉस ए इक्वल्स टू 8 sec ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला गया कि हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। अब देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालिए, हमने जब फर्स्ट एक्सप्रेशन देखा तो उसमें हमारी सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, सिर्फ कॉस ए, ठीक है। बट हमने जब सेकंड वाला देखा उसमें हमारी दो टर्म्स है, कॉस एक एंड सेक। तो हम किसको यूज करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, दो ट्रिग्नोमेट्री टर्म से हम एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इससे वैल्यूज निकालेंगे, क्या है एक्स कॉस ए इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ये एक्स ए से यहां लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन एक्स हो जाएगा। और कॉस हमें पता है हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब इससे हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स निकाल लेंगे। तो देखिए
अगेन ट्रायंगल देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है हमारा, यहाँ एंगल हमारा ए है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, तो बेस बेस हमारा 8 है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स है, तो जो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर सिंपली क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा पी निकल गया हमारा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इसकी नीट पड़ेगी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आप देखिए टर्म लिख लेते हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालें, तो लिख लेते हैं 15 कॉसेक ए विल बी इक्वल टू 8 सेक ए, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है हमारा, जस्ट अपोजिट टू साइन, तो साइन हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हमारा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में पता है एक्स है और परपेंडिकुलर हमारा क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक हमारा क्या होता है, कॉस का अपोजिट यानी एक्स अपॉन 8। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वल्स टू के यहां देखें तो 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, यहां x है यहां भी x हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहां क्या बच गया हमारा 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, इसको वहां लेके जाते हैं क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं 15 इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी 64। अब इसे यहां लेके आ जाएंगे, यहां लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, तो जाएगा 64 प्लस 15, 64 प्लस 15 क्या हो जाता है हमारा 289 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता 289 होता है हमारा स्क्वायर 17 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 17।